हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पीयू हैशटैग वर्सटाइल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मोहिनी। और आज की वीडियो भी बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक DIY पेंटिंग। जी हां, जिसे आप बनाकर अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी वाली पेंटिंग है और बहुत ही जल्दी से फटाफट बन जाने वाली। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस पेंटिंग के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ी और मैंने कैसे ये कुछ ही मिनटों में बना ली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। वैसे तो ये कैनवस पर बनती है लेकिन मैंने ये DIY करा है तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है। यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड लिया जिसके ऊपर एक वाइट कलर का चार्ट पेपर जो कि मेरे पास अवेलेबल था वो लगा लिया, पेस्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने एक्रिलिक कलर लिया है यहाँ पर और ब्लैक कलर से इसको एक ब्लैक फिनिशिंग दे दी। यहाँ पे ब्राउन कलर से एक ट्री बनाया है जिसकी मैंने ब्रांचेस बना ली हैं। और यहाँ पे है ये बाथिंग स्पॉन्ज जिससे हम नहाते हैं और उसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है यहाँ पिंक कलर और अब मैं इस स्पॉन्ज को इसमें डैप कर लूँगी और डैप करके पूरे जो भी मैंने ब्रांचेस बनाई हैं पूरे शीट पे मैं इसे अच्छे से एज अ फ्लावर इसे पूरे अच्छी तरीके से लगा लूँगी। और इस तरीके से आप डैप करके पूरे अच्छी तरीके से इसको चारों तरफ लगा दीजिए। एक पेड़ होता है बहुत ही सुंदर, मैं पिक्चर दे दूँगी आप देख लीजिएगा, उस वो पिंक कलर का होता है और वाइट कलर के उस पर फ्लावर्स होते हैं। पिंक और वाइट कलर का बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन होता है, वो तो नेचुरली होता है। तो मैंने एक कोशिश करी है उसी तरीके से इसको बनाने की। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट एक्रिलिक कलर और उसके साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ ईयरबड्स। यहाँ मैंने 4 to 5 ईयरबड्स एक रबर बैंड से बांध लिए हैं और उनको मैं यहाँ पे डैप करके पूरे शीट पे लगा दूँगी। जिस तरीके से एक वो ट्री होता है और उस पर छोटे छोटे से वाइट और पिंक कलर के फ्लावर होते हैं उसी तरीके से मैं इसको पूरे अच्छी तरीके से लगा दूँगी, एक प्रॉपर शेप दे दूंगी। यहाँ मैंने ब्लैक कलर से शीट को कलर किया है। अगर आपके पास ब्लैक शीट अवेलेबल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने वाइट को पेंट किया था। तो इसी तरीके से मैं पूरे तने को और पूरी जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं जो भी इसकी हैं सारे में मैं अच्छे तरीके से इसको लगा दूंगी और बहुत ही मज़ेदार पेंटिंग होती है। चाहे तो आप अपने बच्चों को भी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। समर वेकेशंस में अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को करा सकते हैं। जैसा कि जानते हैं आजकल सभी बच्चे घर पे हैं तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और ये देखिए, बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी पेंटिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।